मेरठ के गंगानगर इलाके में अधिवक्ता ओमकार तोमर के आत्महत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मेरठ बार एसोसिएशन के तमाम अधिवक्ता काम बंद कर हड़ताल पर बैठे हैं। बकायदा मेरठ कलेक्ट्रेट पे क्रमिक अनशन जारी है, लेकिन अभी तक भी ओमकार सिंह तोमर के मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके चलते आज अधिवक्ताओं ने मेरठ विकास भवन में बैठक कर रहे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का विरोध किया। श्रीकांत शर्मा मेरठ के विकास भवन में बैठक कर रहे थे, जब वकीलों ने हंगामा किया तो पुलिस को विकास भवन का गेट बंद करना पड़ा। वकीलों ने गेट पर बैठकर ही जमकर धरना दिया। आपको बताते चलें, ओमकार तोमर की आत्महत्या के मामले में भाजपा के हस्तिनापुर विधानसभा सीट के विधायक दिनेश खटीक सहित 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। हमने उनको पिछली 12 तारीख से लेके कल शाम तक का पूरा घटनाक्रम जो जो हुआ हमारे मौन जलूस एडीजी साहब के यहाँ या आपका साहब कल बेगमपुर जाम, उससे पहले जो सुसाइड नोट मिला था, जिस सुसाइड नोट को पुलिस लेके वहाँ से जो उनके मृतक की जेब से मिला था उसे लेके जो निकाल के एकदम भाग गई थी एसएसपी के साहब के घर पे, सारा वृत्तांत टोटल कि कैसे कैसे इसमें प्रशासन ने कहाँ कहाँ क्या हुआ, तो उस सारे वृत्तांत को लेके हमने माननीय मंत्री जी को सारा एक एक बात अवगत कराई। उसके बाद मंत्री जी को हमने ये भी बताया कि ये देखिए संघ की लीगल सेल अधिवक्ता परिषद के महामंत्री थे, अब आप पार्टी चलाने वाले आदमी हैं तो इसमें आज तक इतनी देर तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही। तो मंत्री जी ने सारे को पूरे हमारी बातों को ध्यान से सुना, फिर हमारा मेमोरेंडम लिया जिसमें हमने कहा है मंत्री जी से कि 14 मुलजिम हैं, आप गिरफ्तारी तो करवाइए, उसमें चाहे विधायक हो चाहे कोई हो। तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं अभी प्रशासन से बात करके आपकी जो जितनी भी मांग है उन पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे।